pyrolysis. It is a very interesting and important method for preparation of aldehyde and ketones. Pyrolysis होता क्या है? देखो pyrolysis का literal meaning होता है heat. कि हम किसी substance को heat करने हैं और by merely heating we obtain aldehyde, either aldehyde or ketone. अब जो substance हम heat करने जा रहे हैं वो substance है क्या? That substance is calcium salt of carboxylic acid. जैसे आपने सोडियम सॉल्ट पढ़ा होगा, सोडियम एसिटेट, सोडियम मिथेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, लाइक दैट वी हैव कैल्शियम सॉल्ट आल्सो. सोडियम सॉल्ट आप कैसे बनाते थे? यहाँ पे Na कर देते थे, ठीक है ना. अब कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनेगा? यहाँ पे Na की जगह क्या हो जाएगा? Ca. बट सिंस Ca हैज वैलेंसी एज प्लस टू, वी विल हैव टू कंबाइन अनदर ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद इट टू सेटिस्फाई इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इट्स डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो अब क्या होगा यहाँ पे? आर डैश. आर डैश अगेन इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू आर. सपोज वी हैव अ जनरल स्ट्रक्चर लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे इसमें? वील हीट दिस. हीट करने से क्या होता है? इसमें दो चीजें लिबरेट होती हैं. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड सेकेंड वन इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO. तो ये चीजें आती कहां से हैं? क्या मिला यहां से? CO2 मिली. यहां से इस पार्ट को हटा के अलग कर दो तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी. दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी? कैल्शियम ऑक्साइड. ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही चुका है ना. यहां से अब इसको उठाओ, इसको सेपरेट आउट कर लो. क्या मिल गया? CaO मिल गई. बचा क्या? R. ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा. हम क्या करते हैं? इनमें बॉन्डिंग कर देते हैं, ठीक है. तो बेसिकली हुआ क्या? हमारे पास प्रोडक्ट बने आर सी ओ, आर डैश प्लस सी ओ टू प्लस सी ए ओ. दिस इज आर पायरोलिसिस. कि इसमें हमने कैल्शियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया और उसको हीट करा. आफ्टर हीटिंग जो एक सी ओ हमारे पास एसिड वाला ग्रुप था, ये एक ग्रुप ने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी और जो दूसरा ग्रुप था उसमें इसे ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना के सेपरेट आउट हो गया एंड द रिमेनिंग इज अ कीटोन. इट मे बी पॉसिबल आप एल्डिहाइड बनाना चाहो. अब एल्डिहाइड के लिए क्या होगा? आर और आर डैश, आइदर और बोथ, दोनों को या फिर किसी भी एक को हम हाइड्रोजन ले लें. या तो आर को हाइड्रोजन ले लें या फिर आर डैश को हाइड्रोजन ले लें या फिर दोनों को हाइड्रोजन ले लें. तो उससे क्या होगा? यहाँ पे एल्डिहाइड क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स. साइक्लिक कीटोन्स का मतलब, सपोज मेरे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये क्या चीज है? यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे दोनों कार्बन एटम है. डिफरेंस क्या है इस और इस मॉलिक्यूल में? इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे R और R डैश बिल्कुल सेपरेट, मतलब जो ये दोनों एसिड ग्रुप्स थे ना ये एसिड के रिमेनिंग पार्ट्स, वो दोनों सेपरेट थे. मतलब डिफरेंट भी हो सकते थे, सेम भी हो सकते थे. और यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई है इस मॉलिक्यूल में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे दोनों सेपरेट है कि नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट दोनों एक ही एसिड, एक डायोइक एसिड है. बेसिकली एक साइक्लिक एसिड है ये, ठीक है. मतलब कि हमारे पास एक लंबी सी चेन थी एसिड्स की, उसके दोनों एंड पे हमारे पास कोई एसिड ग्रुप थे, दोनों में से हाइड्रोजन निकले, कैल्शियम आया, कैल्शियम ने दोनों को अपने थ्रू जोड़ा और एक साइक्लिक सॉल्ट बन गया, ठीक है. जैसे अगर कुछ मान लो ऐसा होता, ओ ओ एच एच, ठीक है. मान लो कुछ अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता, अब इसको अगर हम सॉल्ट बनाना चाहें तो क्या होगा? यहां से दोनों से हाइड्रोजन निकलेगा, एक कैल्शियम आएगा,
दोनों से बॉन्डिंग कर लेगा, तो बन गई एक साइक्लिक एसिड। इसी टाइप से साइक्लिक सॉल्ट बन गया ना, इसी टाइप से ये हुआ है कि दोनों R और R डैश भी आपस में बॉन्ड डेवलप कर चुके हैं, दोनों में एक बॉन्ड है। खैर अब अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, प्रोसीजर वही रहना है, एक CO2 निकालो एक CaO निकालो, बचा क्या ये कार्बन, ये बॉन्ड बचा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, बॉन्डिंग कहाँ पे होनी है, बॉन्डिंग इनमें होनी है, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो होगा क्या, एक साइक्लिक बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ विजुलाइज होनी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और तीसरा कार्बन ये रहा, तीनों कार्बन के बीच में एक ट्रायंगुलर बॉन्ड डेवलप हो गया इस टाइप से, ठीक है। और ट्रायंगल के एक एंड पे एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड भी है, मतलब कार्बोनिल बॉन्ड भी है, तो दिस फॉर्म्स योर साइक्लिक कीटोन। और बाकी तो प्रोडक्ट वही रहने हैं, CO2 प्लस CaO। तो दिस वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ योर पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में एक चीज और इंकल्केट करते हैं लोग कि हम एक एस्टर, एक एसिटो एसिटिक एसिटिक एस्टर को हीट करें, एसिटो एसिटिक एस्टर को हीट करें, वो देखते हैं कि उसमें होता क्या है। उसमें बेसिकली डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती, उसमें एक दो रिएजेंट्स भी डालने पड़ते हैं, उसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। हाँ लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि वो भी पायरोलिसिस के अंडर ही आता है, बेसिकली एक सब क्लास है पायरोलिसिस की। सी दिस इज आर एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर। अब इससे हमें एक कीटोन और एल्डिहाइड जनरेट करने हैं, कैसे करेंगे, इसमें एज सच कोई मेथड नहीं है, बट इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान देना है क्या, कि ये हमारे पास क्या है, एक कीटोनिक ग्रुप टाइप की चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, कार्बोनिल ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली ये एक एस्टर ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाया माइनस आई इफेक्ट। तो इससे होता क्या है, यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इस पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसके वजह से ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं इन पे क्या इफेक्ट आता है, दे बिकम एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इससे फाइनली होता क्या है कि हम इसमें ना एक रिएजेंट डालते हैं C2H5ONa। ये क्या करता है, यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये चीज़ क्या होती है C2H5ONa, ये हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है प्लस Na, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, इथॉक्साइड, इट इज़ अ बेस। जब यहाँ पे बेस है, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इससे मिक्स करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देगा, बचेगा क्या यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज लाइक दिस OET, इथाइल ग्रुप है ये तो। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेक्स्ट चीज हम इसमें डालेंगे RX, एक एल्काइल हैलाइड। अब उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, देखो RX में क्या होता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है R के ऊपर, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही, तो ये इससे बॉन्डिंग कर लेता है, तो इट फॉर्म्स R, यहाँ पे H सी ओ ओ ई टी, ठीक है, इस टाइप का बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट वी डू इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस से जो एस्टर ग्रुप है दैट चेंजेस इनटू एसिड, तो यहाँ पे होता क्या है, ओ सी आर सी ओ ओ एच, ठीक है, ये एक सिंपल सा कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड की क्या खासियत है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन में, मतलब एक ही कार्बन पे एक साइड तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी साइड एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं, या तो आप कह लो ये कार्बन होगा अल्फा, इट इज बीटा, तो बीटा कीटो एसिड, क्या कहेंगे हम इसे, बीटा कीटो एसिड, क्योंकि बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक एसिड है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब एक बीटा कीटो एसिड को हीट किया जाता है
तो उसमें से एसिड ग्रुप हट जाता है। कैसे हटता है? यहाँ पे जो COO है यहाँ से CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, -CO2। बचता क्या है फिर? C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे R और यहाँ पे सिंपली एक H। तो दिस बिकम्स आर फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ पायरोलिसिस। इसमें पायरोलिसिस कहाँ पर आई? इसमें पायरोलिसिस सिर्फ इस पार्ट में है, बाकी ये सब एक ट्रिक थी कि हमने यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन डेवलप था, कि एक हाइड्रोजन था उसका एक करेक्टर एसिडिक था, उसका फ़ायदा उठा के वहाँ पे एक हमने डाला सोडियम सॉल्ट ऑफ इथॉक्साइड। उससे क्या हुआ? जो इथॉक्साइड ग्रुप था दैट वॉज बेसिक, तो दैट विथड्रू द हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एंड डेवलप द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। फाइनली वी पोर्ड इन इट RX, एक एक एल्काइल हैलाइड डाला जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप के ऊपर होता है, वो इससे बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोलिसिस करके अल्फा बीटा कीटो एसिड बनाई और उसको पायरोलिसिस करके उसकी फिर हमारे पास एक कीटोन तैयार हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड।